क्या फ्रेंड्स, आप लोगों ने कभी सोचा है कि ट्रेन्स में कीज यानी कि चाबी का यूज होता है उसको स्टार्ट करने के लिए? और क्या फ्रेंड्स, आप लोगों ने कभी ये भी सोचा है कि इंडिया में सबसे पहले पैसेंजर ट्रेन कौन सी थी? तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को यही बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखना। नंबर वन, तो बात है 16th अप्रैल 1853 की। इस दिन इंडिया की सबसे पहली पैसेंजर ट्रेन स्टार्ट हुई थी जो मुंबई से थाने तक जाती थी। नंबर टू, तो फ्रेंड्स आप लोग तो जानते होंगे कि इंडिया में कई सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, लेकिन ओडिशा के स्टेट में एक प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है आईबी, और ये आईबी नेम वाला प्लेटफॉर्म इंडिया के सभी प्लेटफॉर्म में से सबसे शॉर्टेस्ट नेम वाला प्लेटफॉर्म है। तो फ्रेंड्स, मैंने ये तो बता दिया कि इंडिया में प्लेटफॉर्म है, उसमें से शॉर्टेस्ट नेम वाला प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो आप लोगों को अभी ये करना है कि कमेंट में जाके मुझे बताना है कि इंडिया में लॉन्गेस्ट नेम वाला प्लेटफॉर्म कौन सा है, वही आप लोगों को मुझे कमेंट में बताना है और ऑनेस्टली बताना है। नंबर थ्री, तो अब आते मुद्दे की बात पर कि ट्रेन को स्टार्ट करने के लिए की यानी कि चाबी का यूज होता है, तो इसका आंसर है नहीं। ट्रेन के इंजन को स्टार्ट करने के लिए की यानी कि चाबी का नहीं बल्कि कुछ स्विचेस का यूज होता है जिसको ऑन करने से ट्रेन का इंजन स्टार्ट हो जाता है, इसलिए ट्रेन में चाबी यानी की नहीं लगती। चलिए फ्रेंड्स, यही था आज का वीडियो। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को एक लाइक करके जाना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि फ्रेंड्स मैं ऐसे इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल फैक्ट्स रिलेटेड वीडियोस लेके आता रहता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं कई और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और हाँ फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों से जो क्वेश्चन पूछा उसका आंसर मुझे कमेंट में जरूर बताना। It's hard to breathe, but that's alright. Hush.